जब आपसे कोई ग्रुप का यूआरएल मांगेगा तो आप उसे 1 2 3 4 5 कहेंगे। नहीं ना, आए मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ कि आप अपने ग्रुप का यूआरएल कैसे चेंज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शकील आवान और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ग्रुप बनाना बहुत आसान है, सिर्फ दो स्टेप आप करते हैं और फेसबुक आपको आपका ग्रुप क्रिएट करके दे देता है, लेकिन उसकी प्रॉपर सेटिंग करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद जब आप उसके यूआरएल चेक करते हैं तो ये देखें, इस टाइप का कोई यूआरएल आपको मिलता है कि आपके ग्रुप का नाम जो है वो इस तरह का क्रिएट होता है। दोस्तों, हम इसको कैसे चेंज करके अपने मुताबिक आपके पसंद का नाम इसके ऊपर लिख सकते हैं, आज की वीडियो में यही आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं ये काम आपका मोबाइल के ऊपर नहीं होगा, बल्कि आप डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ही ये काम होगा। बेहतर है कि आप इसको जो है वो अपने फेसबुक को आप लॉगिन कर लें मोबाइल के ऊपर। अगर आप करना चाह रहे हैं क्रोम ब्राउज़र पे, तो आप वहाँ पे सेटिंग में जाके डेस्कटॉप को शो करवा लें, ताकि ये जो आपका क्रोम है वो डेस्कटॉप वाला क्रोम आपको आए। और अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप की सहूलत अवेलेबल है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले जो आपने क्रिएट किया हुआ है, अभी न्यूली आपने क्रिएट किया है ग्रुप, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये ग्रुप है सेलेक्ट टू स्कूल के नाम से, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक एडमिन पैनल मौजूद है। इस एडमिन पैनल के ऊपर देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह इनको भी डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे ये जो ग्रुप रूल्स हैं और ग्रुप का जो कम्युनिटी रूल्स हैं ये बहुत अहम होते हैं। ये ग्रुप चूंकि मैंने अभी क्रिएट किया है तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप ग्रुप सेटिंग में जाएंगे और ग्रुप सेटिंग में जाने के बाद ये देखें, यहीं पर ही आपको ग्रुप कस्टमाइज का यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये यूआरएल आपका जो है यहाँ पे खाली हो जाएगा और कहेगा कि आप अपना नाम यहाँ पे लिखें जो आप लिखना चाह रहे हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो नाम है वो अवेलेबल है। देखें, अब यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये देखें ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है, हम इसको आगे लिखते हैं, ये देखें यही नाम जो है हमारा अवेलेबल है और यही हमारे ग्रुप का नाम है। हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। देखें, यहाँ पे ये वेब एड्रेस आपके पास आ गया। इसको आप जब कॉपी करते हैं और यहाँ पे नए ब्राउज़र में आप इसको ओपन करें, देखें यहाँ पे जो है वो आपके पास ये आपका यूआरएल चेंज हो गया। अब आप किसी को बता सकते हैं कि आप सर्च करेंगे सेलेक्टो स्कूल के नाम से ग्रुप को, तो आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।